उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के बाद का एक और सीसीटीवी सामने आया है। हत्या को अंजाम देने के फौरन बाद दोनों आरोपी मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों आरोपी बाइक से फरार हो रहे हैं, वहीं पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी भी दिख रही है। आरोपी चलती बाइक पर खून से सने हुए कपड़े भी बदलते हैं। पुलिस को चकमा देने के लिए दोनों ने चलती हुई बाइक पर अपने कपड़े बदले हैं। एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को गौर से देखिएगा, कैसे बाइक पर बड़ी तेजी से निकल रही हैं और फिर चलती हुई बाइक पर ही अपने कपड़े भी बदल रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।